कि अगर मन अत्यंत चंचल है और ऐसे चंचल मन का दमन करना अत्यंत दुष्कर है, तो क्या फिर पूरा प्रयास त्याग देना है? तो कहने का तात्पर्य यह है कि कितना ही मन चंचल क्यों ना हो, कितना ही अति चंचल क्यों ना हो, और ऐसे चंचल मन को संयमित करना अति दुष्कर हो, फिर भी अभ्यास की जो प्रक्रिया है उसमें इतनी शक्ति होती है कि इतने बलिष्ठ मन को भी संयमित किया जा सकता है। अभ्यास जो है समय सीमित नहीं होता। अभ्यास का अर्थ ये नहीं है कि 4 घंटे 8 घंटे 2 दिन 4 दिन में आपका लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। अभ्यास शब्द से अर्थ से तात्पर्य यह निकलता है कि नियम पूर्वक आपको वह क्रिया तब तक करने पड़ेगी जब तक कि आपका लक्ष्य साध्य नहीं हो जाता। इसे कहते हैं अभ्यास। जब तक आप अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लेते तब तक आपको नियम पूर्वक प्रामाणिकता से, मतलब बहुत ही डिसिप्लिन्ड होकर आपको जो भी आवश्यक है वो क्रिया कितनी ही बार आपको करनी पड़े वह क्रिया वह आप करेंगे, उसे कहते हैं अभ्यास। तो अभ्यास न तो कौन थे, अभ्यास से आप, हे कुंती पुत्र, आप इसे साध पाओगे, आप ये कर पाओगे। अभ्यास के साथ साथ और एक चीज की आवश्यकता है, जैसे कभी कभी कुछ कुछ पेय होते हैं ना, कुछ कुछ पेय जल होते हैं, पेय पदार्थ होते हैं जो आप पीते हो, ड्रिंक्स जिसे कहते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स, नींबू पानी, नींबू शरबत, तो उसमें खट्टा मीठा होता है। खट्टा मीठा का अर्थ होता है वो मीठा होता है और उसमें थोड़ा सा खट्टापन भी होता है, तो ज्यादा जो है जिह्वा को स्वाद देता है। तो यहां पर अभ्यास के साथ साथ, अभ्यास मीठी प्रणाली है, उसके साथ वैराग्य, ये खट्टापन उसके साथ। तो ऐसे खट्टे मीठे प्रयोग से जो चंचल मन है उसको नियंत्रित किया जा सकता है, भगवान कह रहे हैं। तो वैराग्य न च गृह्यते, वैराग्य का यहां पर अर्थ है, राग का अर्थ है आसक्ति, तो वैराग्य का अर्थ होता है आसक्तियों से अनासक्ति। जितनी भी आसक्तियां इस संसार में उससे अनासक्त हो जाना। अभ्यास के अलावा और जितनी भी आसक्तियां हैं जो अभ्यास करने में आपको अवरुद्ध कर रहे हैं, रोक रहे हैं, ऑब्स्टेकल बन रहे हैं, अवरोध बन रहे हैं, उन सारे चीजों से अनासक्त होना पड़ेगा।